ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀ ਥਾਲ ਗਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਧੰਨਵਾਦ पाकिस्तान की धरती से आ बंदा अपना करा रहे हैं। हाँ जी दोस्तों सत श्री अकाल, की हाल चाल ने। आपां पहुंच चुके हैं डेरा बाबा नानक, तो जाना है आपां ने करतारपुर साहब अज्ज। तो सवेर के 8:30 हो चुके ने। इधर बैठा जस्सा भाई अपना पक्की फुल बलैज फैमिली, तो जा रहे हैं करतारपुर साहब नू। एंट्री पॉइंट ते पहुंच गए हैं। मीह बहुत उहदे करके पिछे आपां ने कोई वीडियो नहीं बनाई एंट्री पॉइंट ते, उत्तों वीडियो बनाउण लगे हैं। तो अगे जिवें भी आ फिर तुहानू दिखाउने आ की माहौल आ। आ जाओ फिर इतने हम अपने ETA फॉर्म चैक हो रहा। ETA फॉर्म से पासपोर्ट चैक करके फिर अपने अगे इतना जाना है। पासपोर्ट से ETA फॉर्म ने जो सारे अपने इतने चैक होने ने। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू। पहुंच गए आप करतारपुर कोरीडोर एंट्री दे अपनी, तो एंट्री पॉइंट से आप पहुँच गए। मीह भी पै रहा पूरा, अज मौसम है जरा काफ़ी खराब आ, बारिश बहुत ज़्यादा है। समान समून कट के लोइया लोइया लपेट के हम आप चलते हैं अगे वाल। चलिए भी मित्रा पाकिस्तान ताम ताम श्री गुरु नानक देव जी। हाँ जी दोस्तों, गल ये है कि इतने जिन्हें भी करतारपुर साहब के दर्शनों वास्ते यात्री आते हैं उन्होंने बहुत यात्री देखे ने जिहड़े कि वापस मोड़ दिते गए या कई वापस चले गए, जिन्हों को कई कागज़ पत्र या होर कई तरीके की घाट सी। सो वो सारे के बारे आप पूरी डिटेल दसांगे वीडियो के अंत के 3-4 मिनट के पूरी डिटेल के दसांगे। इस करके वीडियो सारी पूरी ध्यान देखना, वीडियो स्किप नहीं करनी ता कि थोनों इतने आके फिर मोड़ना ना पवे। आ जाओ फिर चलते अंदर। अपने कर लिया भी एंट्री इतने, हम पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। पोलियो ड्रॉप्स पिला के उस तो बाद आरटीपीसीआर चेक करके अगे एंट्री होगी। इतने चेक की जा रही है आरटीपीसीआर, उस तो बाद पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जाने। ओहो दो बूट जिंदगी की। हाँ जी इतने आप एंट्री कर चुके हैं अंदर कोरीडोर जाने वास्ते। पहला अपनी चैकिंग हुई है पिछे, वो पिछे बैगेज वगैरह सारे चैक होंगे ने, जो भी अपने को समान आ वो सारा चैक होंगे है। तो उस तो बाद समान चैक होने तो बाद अगे आके इमीग्रेसन का काउंटर आ, जो इमीग्रेसन का काउंटर आ उत्थे आके फिर अपना पासपोर्ट चैक होंदा, फिर ETA चैक होंदा, फिंगरप्रिंट वगैरह सारे ले जाते हैं। मैं क्रॉस कराया तो उधर बंदा आ देखो आ रहा अपना इमीग्रेसन क्रॉस करके, यदि इमीग्रेसन होगी तो वह पिछे जवान खड़ा अपना। हाँ
लो जी अपनी क्लीयर करके डॉक्यूमेंट सारे हम इतों जा रहे हैं करतारपुर साहब वाली साइड बैठ गए आप शटल के देखते हैं अगे के नज़ारे। हाँ जी दोस्तों एक गल का ध्यान रखना है कि जो आप करतारपुर कोरीडोर के एंटर कर जाने तो उस तो बाद अपना ज़्यादातर जोड़े सिम ने वो इतने काम नहीं करते रेंज नहीं आती इतने आइडिया तो एयरटेल का सिम चलता है इस करके उदा सिम लेके आयो कि थोड़े को आइडिया या एयरटेल हो जो तुम इतों कॉलिंग वगैरह कर सको तो जो तुम पाकिस्तान वाली साइड चले गए आ जरा हूँ सामने आ गया गेट इस तो बाद इंडिया तो पाकिस्तान का जोड़ा गेट आ जाता है उस तो बाद पाकिस्तान दे विच तां बिल्कुल भी सिम जिहड़ा नहीं चलना अपना। ये आ गई अपनी बस। सत श्री अकाल जी। पाकिस्तान वाली साइड आके आ एंट्रेंस आ सामने जी दिख रही है वो बाहर इतने काउंटर बने ने बैंक के नैशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के जितों आपने सब तो पहला आके जी फीस अपनी वो जमा करनी है $20 की पर परसन तो नाले आपने करंसी लैनी है शॉपिंग वास्ते पाकिस्तानी तो वो आप इतों लै सकते हैं। इतने हम फीस जमा हो रही है अपनी करतारपुर कोरीडोर की जी $20 की फीस आते जमा हो नैशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान NBP इतने जी फीस आ जमा होनी अपनी $20 पर परसन फीस जमा होंगी इतों करंसी भी आप एक्सचेंज करा सकते हैं। करती फीस जमा ने अपना माइया को जमा करके फीस हम अगे आप जावे आगे मुझे होगी फीस जमा होगी कहना चार बंद $80 हूँ आप फीस किराया जमा उत्थे $20 तो हूँ आप लें पाकिस्तानी करंसी फिर पाकिस्तानी करंसी देखते हैं भी कहे जी देख के करंसी नाले करते हैं शॉपिंग पाकिस्तान से। करंसी काउंटर जितों आपने करंसी एक्सचेंज करवानी है करंसी एक्सचेंज बूथ करतारपुर साहब थैंक यू बिल्कुल इतने आप हूँ लैन लगे पाकिस्तानी रुपये जी नौ जी किन्ने बन गए जी $20 दे कितने बनेंगे इसके 3540 पे 3540 बन गया $20 दा अमेरिकन दा धन्यवाद गुरु नानक देव जी दी कृपा पहली बार पाकिस्तान दी धरती ते आए हां मैं करू मेहर करू 220 पासपोर्ट की वेरीफिकेशन पाकिस्तान की धरती से आ बंदा अपना करा रहे मीह बाहर बहुत ज़्यादा पै रहा तुम देख सकते हो गुरु नानक देव जी की कृपा रणजीत सिंह पर हो रही है तो करतारपुर साहब आ साडा शोभर राजवीर सिंह इन्हें मार लिया एक्टर ने
लोटो के चढ़ तो बड़ा लोटो के खड़ता है सारी पाकिस्तान साइड क्लीयर करके अंदर एंट्री कर चुके हैं। आई डी कार्ड मिल गए मुंडिया नूं। हुण अगे चल रहे गुरद्वारा साहब। इधर बस खड़ी आ तैयार, बस च बैठते हैं। चलो भाई मैं तो अगे खड़ूंगा भाई। बस का ड्राइवर आ गया, हम चला के बस लेके जाऊंगा। चलिया है, चलो भी चलो। लो भी बस च आप आ गए, अपनी आगे बैठ गए दरबार साहब। ये सारी बस अपनी अपने शटल बसा जो करतारपुर साहिब की यात्रा जेडे ने मलाह ने बाबे नानक दे रखे हुए ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਕਿਹੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸ਼ਹਿਰ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਾਰਵਾਲ। ਨਾਰਵਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਆ? ਇੱਥੇ 170 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜੀ। 170 ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਨਾ? ਹਾਂ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਹਿੰਦੀ ਚੱਲਦੀ ਆ? ਪੰਜਾਬੀ ਚੱਲਦੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ। ਪੰਜਾਬੀ, ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇੱਧਰਲੇ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਹਾਂ नवे बच्चे फिर मिक्सअप हो जाते जिम्मे पैंती अखर पैंती अखर ने अखर ने पढ़ता रहा इधर भी होर संगत जी आ रही है। बहुत ही सोहना माहौल आ। अपना कनेक्टर बन गया बंदा इधर आके ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੱਟੇਗੇ। ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਕਿਹਦੀ ਭਾਈ? ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ 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 ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਔਕਾਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਪਲਾਈ
ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ 1500 ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹਜ਼ਾਰ 1500 ਰੋਜ਼ ਸਲੋਟ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਸਲੋਟ ਬੁੱਕ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬੁੱਕ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੌਸਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਐਂਟਰੈਂਸ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਮੀਂਹ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਆ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਕਰਨੀ ਆ ਮੀਂਹ ਬਹੁਤ ਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਬੱਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਐਂਟਰੈਂਸ ਇਹ ਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ ਦਰਸ਼ਨੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਨੇ ਪੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਨੇ ਪੇ ਹਮ ਬੜੇ ਦਿਲ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੋ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ ਕਹਤੇ ਹੈ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਵੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਸਪੋਰਟਸ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਪਣੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਡਸ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗਲੇ ਮੇ ਹੈਂਗ ਕੀ ਹੋਏ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੈਂਗ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੇ ਇਨਕੋ ਪਾਕਟ ਮੇ ਜਾਂ ਪਰਸ ਮੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਕੀ ਆਈਡੈਂਟੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਲੋਕ ਇੰਡੀਆ ਸੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਮਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਰੂਮ ਆਪਕੋ ਨਜ਼ਾਰ ਆ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਘਰ ਹੈ ਇਧਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੇ ਉਤਾਰਨੇ ਹਨ ਅਗਰ ਆਪ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫਾਲਤੂ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੇ ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਜੋ ਆਗੇ ਵਾਲਾ ਰੂਮ ਆ ਉਹ ਲਾਕਰ ਰੂਮ ਹੈ ਵਹਾਂ ਆਪ ਆਪਣਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਕੇ ਲਾਕ ਲਗਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਸਾਥ ਵੀ ਆਪ ਸਮਾਨ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਇਹ ਆਪਕੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸਾਦਾ ਵਗੈਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੇ ਲੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਊਂਟਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਹਾਂ ਆਪ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸ਼ੂਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜੈਸੇ ਹੀ ਆਪ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰ
जा रहा है ये वाला कॉरिडोर में थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, कॉरिडोर के अंदर ही सरोवर साहब है, वहाँ आप लोग स्नान कर सकते हैं। और जो मेन गुरुद्वारा जहाँ बाबा जी की समाधि है वो बिल्डिंग बिल्कुल सेंटर में आपको नज़र आ जाएगी। सारे पाकिस्तान के लिए आंदर दिल थाल कर आइए वेलकम करने जी आई सत श्रीकाल। अच्छा जो कार्ड तुम मिले ने ना यह कार्ड ऐसे तरह गले के पा के रखने ने, यह कार्ड जो अलामत है कि इंडिया के आए हुए साढ़े जो मेहमान, क्योंकि दूसरे लोग भी ने सूँ देख आते हैं तो फिर वो पहचाने जाते हैं कि इंडिया में आए थे ना संगत। अच्छा जो ही है जो दरवाज़ा है सामना यह वै जोड़ा कर इतने तुम अपने जोड़े उतार लेने, अगला लाकर रूम है तुम अगर समान रखना चाहते हो तो लाकर रूम के अपना ना समान रख सकते हो। अगर इस अलावा कोई प्रसाद वगैरह लैके समान लैके साल है उसे तुम जमा करवा सकते हो। जो ही अंदर जाओगे बैस बरामदे के नाल ही खब्बे हाथ उत्थे सरोवर साहब ने तुम स्नान कर सकते हो। मेन जी बिल्डिंग है ना समाधि साहब के दरम्यान के ठीक है, दोवें बरामद के एंड के उत्ते दोवें बरामद के एंड के उत्ते वाशरूम की सहूलत मौजूद है, उत्थे जोड़े रखे हुए हैं तुम ना जोड़े तो इतों लैके जाने की जरूरत नहीं। लंगरखाने के नाल ही रस्ता जो मार्केट में जाता है उतों जो तुम मार्केट जा सकते हो, लेकिन नंगे पहुँचाना पड़ेगा करता कि तुम इतने आ जाओ इतों जोड़े पा के इधरों बहर जो जाओगे ना तो इस ट्रैक के उ इस वे जो जाओगे सैकंड साइन बोर्ड जो ना वो मार्केट ताे लैफ्ट साइड उत्ते सैकंड साइन बोर्ड जो मार्केट है तो बहर जाके ना इधर राइट साइड ताे सैकंड जोड़ा वे जाता ना सैकंड साइन बोर्ड का जोड़ा वे जाता है वो खेती साहब का वै निशान साहब का वै अंगीठा साहब का अंदरों जी रस्ता है लंगे पहुँच जाना पेगा। बेहतर है कि तुम इतों जोड़े पा के ना फिर चले जाए ता इत रुकन का टाइम जरा ना शाम 4 बजे तक है, उस तो पहला भी जाना चाहो तो बस ने जिस जगह उत्ते उतारे सेम ऐसे जगह उत्ते हर 5 मिनट बाद बस तुम लैके जा सकते। असं अमीन करते हैं दुआ करते हैं कि सारा जिन्ना भी इतने वक्त गुजरे नहायत अनमुला तो खुशगवार जी। हाँ एक चीज़ का खास ख्याल रखना, स्लिपिंग का जरा बारिश है चलने के ना एहतियात करिए, खास करके बुजुर्ग लोग ने ना टायर उत्ते स्लिपिंग का जरा गिरने का खर्चा जरा जगह जगह एहतियात करिए मौजूद है तुम मैट का ज्यादा तो ज्यादा इस्तेमाल करना ठीक है जी, बल्कि ना ज्यादा स्लिपिंग है लंगर का समान जो भी आता सामने जमा हों संगत जमा करवा रही ने रसद पानी जो इतो लैके आने इतने आप एंट्रेंस तो बाद एंट्रेंस तो बाद बिल्कुल सामने सज्जे हाथ बने जोड़ा घर आओ सामने जोड़ा घर है तो बाद बिल्कुल सामने इतने आ गया जिते आप अपना समान है जोड़ा रसद पानी जो भी देना है वो इतने जमा करवा सकते हैं गुरुद्वारा साहब वास्ते। इधर जोड़ा घर तो जवान अपने जोड़े जमा करा रहे हैं, हाँ भी हो गए जमा चलो फिर हम चल अगे सफाई हो रही है मशीना नाल दरबार साहब च नाल दी नाल मीह पै रहा नाल दी नाल वाइपर सफाई चल रही है ते जिहड़ी चीज़ दा आपां नूं इंतजार सी बहुत चिर तों पहुँच गए आपां गुरद्वारा श्री करतारपुर इधर ने सरोवर आ देखो इधर लिखा है पाकिस्तानी च भी पंजाबी च भी अंग्रेजी च भी पर एक इतने लिखा मुस्लिम विजिटर नॉट अलाउड टू एंटर सरोवर एरिया ये पता नहीं क्यों लिखा पुछते आप इतने भी की गल इधर आ गया सरोवर ये सरोवर आ बई लग गया इनान करना इधर
हम आप चले लंगर हाल, लंगर छकते हैं, लंगर छक के फिर चलते हैं अगे। और जी बीजी ठीक ठाक जी? है लंगर हाल, लंगर तो लंगर छक रही ने, रखे ने बर्तन, बर्तन लेने तो लंगर छकते हैं। लियाओ जी बर्तन ले ले, हुण छकदे आ लंगर। सेवादार इधर लगे हुए ने लंगर छकाउण सारे अपने। लो जी हुण लंगर छकण लगे आ, लंगर आ गया पूरा तैयार आ, प्रशादा पानी बहुत ही वधिया तरीके नाल। छकते हूँ लंगर, इधर बर्तना की सेवा हो रही है, सफाई बर्तना की, जस्सा भी लगे है, इधर माता जी कर रहे हैं सेवा। बहुत ही वधिया सिस्टम बनाया है, भांडे धोण का, खाना बनाउण का, बड़ा ही साफ सफाई वाला सिस्टम है, बहुत ही वधिया। इधर खाना बनाने का सिस्टम है बाहर, किचन। हो जी ठीक ठाक जी? इधर सारा खाना बनाने का सिस्टम है, बड़ा ही साफ सुथरा सिस्टम बनाया हुआ। इतने चाह बना रहे हैं जी, इधर भाई जी चाह बना रहे हैं। उधर बन रही ने रोटियां। सत्या जी, सत्या जी, सत्या। इधर रोटियां पकाइया जा रही ने, उधर माता जी बैठे ने। तुसी कित्थों जी? लोकल लंगर छक के आ गए। चलो भी चलिए हुण मत्था टेकण आपां दरबार साहब। आज थले छतरी दोस्तों, जदों आप पाकिस्तान का टर्मीनल क्रॉस करके पाकिस्तान वाली साइड आ जाने गुरुद्वारा साहब, तो आपू किसी भी तरह की कोई मनाही नहीं है, ना फोटो खिंचन की ना वीडियोग्राफी करन की। आप कर सकते हैं इंडिया साइड, कुछ जगह पर है इमीग्रेसन साइड जिते आप नहीं कर सकते, पाकिस्तान साइड आप आराम कर सकते हैं। आओ जगह है जिते मुसलमान भाईचार के लोगों ने गुरु नानक देव जी महाराज के चादर के फुलों दफन किया। ये वो थान बनाई हुई है, इधर निशान साहब आ, गुरद्वारा साहब के सज्जे हाथ वो जगह बनाई हुई है जिथे मुसलमान भाईचारे ने दफन किया गुरु नानक देव जी। इधर बाहर इतने लिखा है सारा इतिहास, तुम स्लो करके पॉज करके पढ़ लियो, मैं बोलूँगा नहीं क्योंकि मीह पैंदा है, लंबा इतिहास आ, ये सारा तुम पढ़ सकते हो, फोटो भी पा दूंगा मैं। जिहड़ा कितने गुरुद्वारा साहब के वीडियोग्राफी ते फोटोग्राफी की मनाही लिखा भी होया है, तो वह पाकिस्तानी जिहड़े रेजिडेंट्स ने उन्हां वास्ते आ, इंडियन टूरिस्ट वास्ते कोई मनाही नहीं है, तुसी किसी भी पासे फोटो खिंच सकते हो।
तो वीडियो जी गुरद्वारा साहब के बना सकते हो, कोई किसी तरह की मनाही नहीं हैगी। थले इतने समाध से मत्था टेकन तो उपरंत यह दीवान हाल जाने लई पौड़ियां बनिया ने, जिथों आप दीवान हाल जा सकते हैं। जी गुरद्वारा साहब की बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है जी, उस बिल्डिंग नूं कवर किया हुआ है, पुरानी बिल्डिंग है जी रखी हुई है गुरद्वारा साहब की। दरबार साहब आ जिथे आप हम मत्था टेक के आए हैं, मेन दरबार साहब तो बाहर निकलते ही सज्जे हथ इतने रीहट साहब आ, रीहट साहब लिखा असल च खूह है एक जितों के बाबा नानक जी पानी लाते अपने खेतों को, वह खूह है जोड़ा वो इतने बनाया हुआ है, बाहर निकलते दरबार साहब तो बिल्कुल आ पिछे खूह आ। खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज आप पहुंचे हाँ गुरु नानक पातशाह की धरती श्री करतारपुर साहब पाकिस्तान विखे, तो तुम देख सकते हो अगे आप दर्शन करते हैं करतारपुर साहब के, वो सामने अपने इंडिया का बॉर्डर से जिते बड़े दो निशान साहब ने, उतों अगे दूर भी ना दर्शन करते सी, सुभाग समा प्राप्त होया अज गुरु नानक पातशाह धरती से पहुँचने का। इत्थे गुरु नानक देव जी जिथे खेती करया करते सी करतारपुर साहब विखे, तुहानू दरबार साहब दर्शन कराउंदे आ। आओ जी वह सामने दरबार साहब बनया होया जी जिथे गुरु नानक देव पातशाह खेती करया करते सी, एक साइड ते उत्थे खूह बनया होया, खूह का पानी उन्होंने खेतों में लाया जाता सी, ते जदों गुरु नानक देव पातशाह का संस्कार करन लई आपां सबनू पता ही है वी दो चादर दरबार साहब के अंदर, एक चादर जिहड़ी जिसका संस्कार किया गया दरबार साहब के नाल ही, एक चादर जिसनों मुस्लिम भाईचारे ने दफनाया सी, दो अंगीठा साहब बने हुए ने, बाकी तुहानू नाल दी नाल दर्शन कराने आ, जिदा आप जाई जाएंगे तुहानू सारयां नू नाल दी नाल दर्शन कराएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ਤੇ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਦਰ ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਹੌਰ ਲਾਇਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅਮਿਤਾ ਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨੁਸਰਤ ਉੱਤੇ ਗੁਰਤੀ ਦੀ ਆ ਗੁਰਤ ਇੰਡੀਆ ਉਹਦੀ ਬਣੀ ਆ ਗੁਰਤੀ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਭਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆਏ। अपने पाकिस्तानी वीरां नाल बहुत वधिया गल्लां होईयां ने, उहदी इक अलग तों वीडियो पावांगे, उह वी सारे तुसीं जरूर देखियो। इह पहले रैवर होए ने दुनिया ते जिन्हां दा दोनों तरीकियां नाल अंतिम संस्कार होया जी, जो अंतिम रवायत हुई है ते मतलब दफनाया भी गया ते उहनां दे जलाया भी गया, ते जो उपरली मंजिल है उत्थे जो गुरु ग्रंथ साहिब है उह प्रकाश है पाठ उत्थे है पूजा, हांजी दोस्तों आप दरबार साहब मत्था टेक आए, दरबार साहब मत्था टेक के उस बाद सरोवर दर्शन करके आप खेती साहब गुरद्वारा साहब आ वो सारा दर्शन करके, तो हुण साइड ते बनया होया बाजार जिथों आप शॉपिंग कर सकते हैं, बाजार के समान खरीद सकते हैं, पाकिस्तानी भरावां दीआं दुकानां ने उत्थे आपां जा रहे हैं, आ जाओ फिर दिखाउंदे आं तुहानूं।
ਬਾਜ਼ਾਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਸਟਾਫ ਰਹਿਸ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਸੈਂਟਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭਾਈ ਅਜੀਤਾ ਜੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਆ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਮਫਲਰ ਇਹ ਬਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਰੀ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਨੈਦਰਲੈਂਡ ਦਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਗਾਤ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨੀ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਖੋਇਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ 'ਚ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਟੇਸਟ ਕਰੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਤੋੜ ਹੈ ਜੀ ਪੂਰਾ ਸੋਨ ਦਾ ਹਲਵਾ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਆ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਆ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ 400 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕਿਲੋ ਹੈ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਗਈ ਤਸਵੀਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਇਧਰ ਗਿਫਟ ਆਈਟਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਜੀ ਵਧੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਧੀਆ ਬਹੁਤ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਮਾਲਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਖਜੂਰ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਖਜੂਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਖਜੂਰਾਂ ਨੇ ਨਾਰ ਖਜੂਰਾਂ ਨਾਰ ਖਜੂਰਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵੀ ਕਰੀ ਆ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ ਪੂਰਾ ਟੂਰ ਕਰਿਆ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹਾਸਾ ਮਖੌਲ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਉਹਦੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਿਸਕਿਟ ਲੈ ਲਓ ਕੱਪੜੇ ਲਿਟੇ ਆਹ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਟੀ ਸਟਾਲ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਕੈਪੇਚੀਨੋ 150 ਦੀ ਲੈਟੇ 150 ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਧਰ ਲੱਗਿਆ ਏਟੀਐਮ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਰ ਪੈਸੇ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਦੀ ਕਢਾਉਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ HVL ਏਟੀਐਮ ਆਪਣੇ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ HVL ਏਟੀਐਮ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੀਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਾਫੀ ਕਾਫੀ ਪੀ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਲਓ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ ਖਰਚਾ ਦੇਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਇਹ ਤਗੜੀ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈਗੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਜਾਓ ਹੁਣ ਚੱਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਦੱਸੋ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ ਜੀ
साइड से मार्केट बनी हुई है, बड़ी शॉपिंग की है। और एक चीज साढ़े याद लैके चले गुरु नानक पातशाह की मफलर धरती तो इन्ना भाईचारे का प्यार मिले है, बहुत ज़्यादा बहुत खुश होंगे ने मिलकर वो आया करो, इन्हों मिल के जाया करो ता जो अपन पहचान सकन, आप इन्हों पहचान सकी शॉपिंग भी करिए आ गए है ना। हाँ। आप इतने कुछ ना कुछ खरीद के भी लैके जाइए, इधर भी दुकाना ने जरूर। लो जी हुण आपां दर्शन मेले करके इत्थों जा रहे हां वापसी अपना इंडिया साइड। ये अपने ड्राइवर भाजी आ गए, इधर जस्सा भाई कर लो गर्म गड्डी गर्म हां खड़ी अपनी बस चलो भी चलिए फिर उधर क्रिकेट चल रही है हरियाणा दी फड़म फड़ अपनी बस का नजारा पूरी फुल बस आ संगत सारिया दर्शन करके आ चुकी ने जिहड़ा कोरीडोर का रास्ता है अपना टर्मीनल इंडिया साइड तो आप जो दरबार साहब नूं जाने आ तां रस्ते विच पैंदा इत्थे रावी दरिया, ये लग्या है बोर्ड रावी दरिया। हुण सामने अगे पुल आऊगा जिहड़ा रावी दरिया ते लग्या है, ये पुल बणिया है रावी दरिया ते, ओह कणक बीजी है विच अपने दरियावां दे विच उही काम इत्थे आ। बदल आ जाए बहुत आ, मौसम ठंडा पूरा, ये सारा रावी दरिया, रावी दरिया है पानी जोर आ रहा है। हाँ खड़ी बने इमीग्रेशन टर्मिनल ते वापस बॉर्डर लाइन जितों चले सी जान समय उत्थी वापस आ चुके हैं आपां। इमीग्रेशन पॉइंट जितों एंट्री करी सी आपां ने पाकिस्तान साइड, चलो फिर हम चलिए उतरिए बाहर। हाँ बसा लगे हुई ने जिद राही आप इतने आने तो जिद राही लैके जाते उ अपना दरबार साहब तक, ये बसा इतने लगिया हुई ने। संगत उतर रही है सारी, अपनी संगत भी उतर रही है, अपने बंदे पहुंच चुके ने वापस। हां भी किवें रहा ट्रिप? पूरा वधिया वधिया रहा, ठीक है ते हुण गुड बाय कर दी आपा। गुड बाय अच्छा भाई जी, ऐ नाम मंगूंगा देखो इधर। जात्रा करने तो बाद
ਚੱਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬਾਏ ਰੋਡ ਬਾਏ ਰੋਡ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਏ 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 ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਜਲਦੀ ਹੋ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ लो भी दोस्तों हुण आपां इत्थों पाकिस्तान वाली साइड तो वापस जाण लगे इंडिया वाली साइड तो सामने देखो पाकिस्तान का झंडा बनया है तो लिखा है गुड बाय वाहेगुरु राखा बहुत ही वधिया आदर मान करिया पाकिस्तान वाले ने लो जी पहुंच गए आपां वापस बहुत बढ़िया सफर रहा अपने वतन अपने मुल्क देखो जी बिल्कुल जीरो लाइन बहुत खुशी महसूस हो रही है एक छाल मारी इंडिया एक छाल मारी लाइन दे पंगे ने इधर चढ़ता पंजाब इधर साडा लैंदा पंजाब दोनों साडे पंजाब दोनों पंजाब साडे चढ़ता भी लैंदा भी आ जाओ ये अपना गेट जिन्हों आप जीरो लाइन कह सकते हैं तो सामने पाकिस्तान का बोर्ड लग्या तो उधर आ पाकिस्तान तो इधरले पासे अपना हिंदुस्तान हाँ जी दोस्तों इस वक्त आप खड़े हैं हुण जीरो लाइन पर इंडिया साइड आप क्रॉस कर लगे हैं इधर हैगा पाकिस्तान आ गेट बनया इधर अपने पाकिस्तान वाले फौजी वीर खड़े ने तो इधर हैगा है इंडिया इस साइड इंडिया है तो जी आ लाइन आ नीचे ये लाइन दे इधरले पासे पाकिस्तान उधरले पासे इंडिया हाँ बहुत वधिया माहौल आ बहुत वधिया इधर मानस आ खड़ा मैं दो मुल्कां च खड़ा दोनों च ये आ जिहड़ा अपना गेट आ इत्थों आपां ने एंट्री करनी आ इस साइड आ गया पाकिस्तान ते इस साइड आ गया अपना इंडिया इंडिया वाले पासे गेट राही आपां एंट्री कर ली आ ते हुण इत्थे अपना दुबारा ETA जिहड़ा फॉर्म आ ते नाल अपना पासपोर्ट आ चैक होगा तो अगे जाके फिर अपना सारा जो समान आ बैगेज वगैरह वो चैक होणगे ते नाले पूरी तलाशी ले जाऊगी जिहड़े इधरली साइड मुसाफिर गए ने उन्हां सारिआं दी आ जाओ फिर चलीए कराउंदे आ फिर तलाशी वापस आप आ गए हुण एंट्री कर रहे हैं इंडिया साइड तो इत्थे हुण चैकिंग हो रही है दोबारा फिर लगेज वगैरह दी समान दी लो जी हुण आपां जा रहे हां वापस वापसी आपां इंडिया वल इंडिया वाली साइड आपां आ गए हुण वापस ओके जी हुण वापसी आपां इंडिया साइड आ गए दोस्तों दर्शन मेले करे आप करतारपुर साहब गुरद्वारा साहब के बहुत ही वधिया रहा सारा ही माहौल बहुत माण सत्कार पाकिस्तान वाले जो उत्थे दा डिपार्टमेंट आ जो गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी आ जिहड़ी भी उत्थे सिक्योरिटी फोर्सेस लगिया ने अपनी साइड भी तो पाकिस्तान साइड भी बहुत वधिया सिस्टम आ बहुत ईजी प्रोसैस आ कोई इदा नहीं किसी तंग परेशानी वाली कोई गल नहीं नॉर्मल डॉकूमेंट चैक होंगे तो बहुत वधिया तरीके आप सारा घूम के आने लंगर पानी साफ सफाई हर पक्ष तो बहुत ही वधिया सिस्टम इस करके जिन्ना वधिया सिस्टम बनाया गया जिन्ना वधिया उपराला है हजे भी उन्नी संगत नहीं आ रही कोशिश करो कि वध तो वध लोग आप आईए तो जगह देखिए क्योंकि भागा नाले आपां नूं मिलिया है बहुत ही सोहनी जगह है तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हैगी मैं तो लगता नहीं कोई प्रॉब्लम आई आप कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं पाकिस्तानी भरावान तो इन्ना प्यार मिले है तो कुछ लफ्जा तो भरे है तो एक गल की दिक्कत आती है आम करके अपने लोग आ जाते हैं जी आरटीपीसीआर रिपोर्टा तो बिना आ जाते हैं
और रिपोर्ट लेके आना नहीं भुलना, क्यों इतों मुड़ना बहुत औखा है। जो कोई इतों आके मुड़ता तो बहुत दुख लगता है। करवाई होंगी इन्नी एडवांस कई बार गल समझता ना कि मेरे दो डोज लगिया हुई तो मैं एंट्री इदा हो जूगी, पर नहीं होंगी। इतने आर टी पी सी आर मग रहे हैं, इस करके जिन्हें आना आर टी पी सी आर करवा के ही आओ, चाहे डोज लगे ने वैक्सीन के चाहे नहीं लगे, आर टी पी सी आर करवा के ही आओ ताकि इतने आगे दिक्कत ना आए, क्योंकि बहुत लोगों इतों फिर वापस मोड़िया है जिन्हें आर टी पी सी आर रिपोर्ट नहीं सी कोल। एक गल का ध्यान रखो, बाकी चाहिए कुछ नहीं। इतने अपना ई टी ए फार्म जो अपना कन्फर्मेशन तो बाद मिलना, तो दूजा अपना पासपोर्ट, ये दो चीज़ें चाहिए ने, होर कुछ नहीं चाहिए। पासपोर्ट से कोई स्टैंप वगैरह नहीं लगनी, जस्ट एक आइडेंटिटी। बहुत बंदे घबराते हैं पासपोर्ट से स्टैंप लगू, वो लगती नहीं। एक गल कद मन च रखियो, पासपोर्ट सिर्फ थोड़ा उन्होंने देखना एक बार जस्ट फॉर इनकुआरी, आधार कार्ड बस। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲੇ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵਲਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਨੇ, ਆ ਕੇ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਐਂਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਆਓ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਆਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਰਹੋ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਏ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ, ਉਮੀਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।